और कनाडा के ब्रैम्पटन में रविवार को हिंदू सभा की मंदिर में हुए हमले की पीएम मोदी ने कड़ी निंदा की है। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें कनाडा सरकार से कार्रवाई की उम्मीद है, ऐसी घटनाएं हमें कमजोर नहीं कर सकती हैं। राजनयिकों को डराने धमकाने की कोशिश ये कायरतापूर्ण है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से भारत सरकार ने पहले ही इस मुद्दे पर चिंता जताई थी। विदेश मंत्रालय ने कनाडा सरकार से साफ तौर पर कहा है कि वो सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और ऐसे हमलों को रोकें। वहीं दूसरी तरफ मंदिर पर हो रहे हमलों के बाद अब कनाडा में हिंदू संगठन एकजुट होने लगे हैं। सोमवार को कनाडा में बड़ी संख्या में हिंदुओं ने खालिस्तानियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। हिंदुओं की कनाडा सरकार से मांग है कि मंदिर पर हमला करने वालों पर कार्रवाई की जाए। कनाडा में लगे बटोगे तो कटोगे के नारे, खालिस्तानियों के हमले के बाद हिंदुओं की हुंकार। ट्रूडो को पीएम मोदी की दो टूक, बर्दाश्त नहीं हिंदुओं पर हमले। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले के बाद अब पूरे कनाडा में हिंदू समुदाय एकजुट होकर सड़कों पर उतर आया है। कनाडा में रह रहे हिंदू समुदाय के लोग खालिस्तानियों की हिंसा का जवाब देने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो। रविवार को टोरंटो के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा के मंदिर कैंपस में घुसकर मारपीट और वैंकूवर के सर्दी में हिंदू टेंपल के बाहर हुए बवाल के बाद अब हिंदू संगठन एक हो गए हैं। वो खालिस्तानियों के सामने डटकर खड़े हो गए हैं। हिंदू सभा मंदिर पर हुए हमले के बाद लोग बेहद नाराज हैं। सोमवार को हिंदू समुदाय के लोग टोरंटो शहर के ब्रैम्पटन पहुंचे और खालिस्तानियों का जमकर विरोध किया। अभी कुछ समय पहले से हम लोगों को जानकारी मिली है कि यहाँ खालिस्तानियों ने भारत और हिंदू धर्म का अपमान करते हुए अपने झंडे डंडे के साथ यहाँ पर पत्थर और बहुत सारी चीज़ों से अटैक किया। और जैसे ही सोशल मीडिया पर यह खबर पहुँची, तमाम तर लोग यहाँ पर आ चुके हैं और पुलिस की गाड़ियाँ देख रही हैं। पुलिस ने रास्ता सारा आगे रोका हुआ है, लेकिन उसके बावजूद में हर तरफ से इस बात को कंडेम किया जा रहा है। तमाम तर लोग जिन्हें आप देख पा रहे हैं हिंदू सभा मंदिर के पीछे हैं, ये लोग सारे के सारे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में हिंदू मंदिर और हिंदुओं पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कनाडा सरकार से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है, साथ ही कहा कि ऐसी घटनाएं हमें कमजोर नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी उतनी ही भयावह है। हिंसा की ऐसी घटनाएं भारत के संकल्प को कभी कमजोर नहीं कर पाएंगी। हम कनाडा सरकार से न्याय सुनिश्चित करने और कानून के शासन को बनाए रखने की उम्मीद करते हैं। पीएम मोदी ने दुनिया भर के भारतीयों के लिए आवाज उठाई है। कनाडा विवाद के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला बयान है। पीएम मोदी के इस बयान को काफी अहम माना जा रहा है। कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हुए हमले को उग्रवादियों की कारस्तानी बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा की सरकार को उग्रवादियों को काबू पाना होगा
और सभी हिंदुओं के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले की आलोचना की। बिट्टू ने कहा कि ट्रूडो ने कनाडा में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को आपस में बांट दिया है। कनाडा में जो हालात बने हुए हैं, ये एक किसी मजहब की बात नहीं है, हिंदू हो सिख हो सबके लिए ये ट्रूडो साहब हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, इस तरीके से उन्होंने डिवाइड कर दिया है वहां पे हर जगह। इस आदमी ने कि हिंदुस्तान के लोग और पंजाब के खास तौर पे लोग वो पीसफुली वहां पे रह ना सकें, यहां से उनके बच्चे ना जा सकें, फैमिलीज ना जा सकें, लेकिन बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बड़ी मजबूती से हम इसे सख्ती से ये कनाडा की गवर्नमेंट के अगेंस्ट कहीं तक भी जाना पड़े वो जाएंगे। रविवार को टोरंटो के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा के मंदिर कैंपस में घुसकर जिस तरह मारपीट की गई और वैंकूवर की सर्दी में हिंदू टेंपल के बाहर बवाल हुआ, वो पूरी प्लानिंग का नतीजा था। जिसमें खालिस्तानियों के साथ कनाडा पुलिस भी शामिल थी। जिस वक्त हिंदू मंदिर पर हमला हो रहा था, उस वक्त कनाडा की पुलिस खालिस्तानियों को रोकने के बजाय हिंदुओं को ही गिरफ्तार करने की धमकी दे रही थी। भीड़ पीले रंग के खालिस्तानी झंडे लेकर मंदिर परिसर में घुसी, झंडे के डंडों से मंदिर कैंपस में मौजूद लोगों पर हमला किया, हाथापाई की और ये तस्वीरें कैमरों में रिकॉर्ड हुई। हालात काबू करने के लिए पुलिस भी आई, लेकिन वो खालिस्तानियों को पकड़ने और रोकने के लिए नहीं बल्कि श्रद्धालुओं के साथ मारपीट करने आई थी। कनाडा के किसी मंदिर में घुसकर मारपीट करने की ऐसी तस्वीर पहले कभी नहीं देखी गई। ये पहला मौका है जब भारत का एक समुदाय कनाडा की जमीन पर अपने ही मुल्क के दूसरे समुदाय पर यूं हमला कर रहा है। यहां रह रहे लोगों का कहना है कि उन्हें ये तो पता था कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों के समर्थक हैं, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि खालिस्तानियों को हिंदू मंदिर पर हमले की परमिशन दे देंगे। हिंदू कम्युनिटी बहुत इससे नाराज है, नाखुश है। लोकल पुलिस ने वहां परमिशन दी तो ऑलरेडी टेंस चल रहा है पिछले कुछ समय से, तो वो टेम्पल के जो दरवाजे है, जो डोर है, उसके आसपास क्यों दी? दे कैन गिव अ परमिशन टू प्रोटेस्ट अदर साइड ऑफ द रोड और लिटिल बिट फार, लेकिन वो नहीं हुआ। अगर दूसरी चीज़ है, अगर वहाँ पे दी है तो वाई नॉट इनफ पुलिस ऑफिसर और वाई नॉट सिक्योरिटी प्रोवाइड टू द टेम्पल डिवोटी ऑल्सो, विच इज फंडामेंटल राइट ऑफ कैनेडियन हिंदू और एनी रिलीजियस पर्सन टू बी सेफ इन देयर प्लेस ऑफ वर्शिप। थर्ड थिंग, पुलिस की अच्छी प्रेजेंट, जो भी प्रेजेंट थी वहां पे, इनफ नंबर में नहीं कह सकता, अगर इनफ नंबर में होती तो इतना नहीं होता, तो वो प्रेजेंस थी, तो उनकी प्रेजेंस में हाउ द प्रोटेस्टर दे कम इनसाइड द टेम्पल। कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों की हिमाकत लगातार बढ़ रही है। वो खुलेआम भारत के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं, यहाँ तक कि अब वो हिंदुओं और मंदिरों पर हमले भी कर रहे हैं। कनाडा में हिंदुओं की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, वहाँ उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में अगर भारत सरकार ने कनाडा सरकार पर सख्त दबाव नहीं बनाया तो आने वाले दिनों में हालात और खराब हो सकते हैं।